हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो गया है और सुबह बस मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही थी सुबह मॉर्निंग की पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। कुछ यहाँ पर बर्तन है, ये पूजा के ही बर्तन है, तो इसे मैं धो देती हूँ और फिर धोकर रख दूँगी। जो कि यूज डेली आती है उसे मैं रख लूँगी मंदिर में, और जो नहीं यूज होती है उसे मैं अलग जगह रख दूंगी। इसीलिए यहाँ पर कुछ बर्तन थे पूजा वाले, जो पीतल वगैरह है, और मैं ना मतलब कि ऐसे धो दिया करती हूँ हफ्ते में, या फिर जब पूजा करती हूँ उस टाइम मैं इसको धो दिया करती हूँ और ऐसे ही बाहर ही मैं धोती हूँ। और आप सभी कमेंट भी आए थे कि ये बर्तन जो धोते हैं सिंदूर वगैरह, जय प्रसाद वगैरह, वो उसमें पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें तो मैं उठा के पहले थाली को खंगार के ये फूल पौधों के नीचे ही फेंक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर धोती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने काम से, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, धूप भी उतनी नहीं हुई है, और बहुत अच्छा सुबह तो इतना अच्छा ही लगता है। 7 बजे तक अच्छा ही लगता है, लेकिन 7 बजे के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और आज तो मेरे हस्बैंड को निकलने में देरी हो गया है, क्योंकि ये ना अभी जितने भी जैसे कि ऑटो चल रहे हैं ना, जितने भी जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो इतनी धूप है और इतनी गर्मी है ना कि 11 जैसे 11 या 12 बज जाता है ना, उसके बाद रोड में रहना मुश्किल हो जाता है। इतना गर्म धूप में कैसे कोई चलाएगा। और ऑटो इतनी पतली रहती है, वो छाया बस देता है, लेकिन उसका जो धूप का धोक है, लू है, वो रोक नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर ये घर आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये शाम को जब 4 बज जाता है, कभी 5 बज जाता है, तब फिर ये घर से निकलते हैं, क्योंकि धूप में कोई इंसान रहता ही नहीं है, पैसेंजर वगैरह, इसी वजह से ये घर आ जाते हैं। ये नहीं सभी लोग घर ही चले जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि इतनी धूप में किसी को मरना तो है नहीं, और बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाएगी ऐसे टाइम पर। तो ये ऐसे चले गए, आज नाश्ता वगैरह नहीं किए, और फिर कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, जब मेरा खाना वगैरह भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ आजकल, क्योंकि धूप में फिर ना गर्मी हो जाती है, तो फिर वही ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। और सोचिए ना कि जब घर में रहते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, तो चूल्हे के सामने हम जैसे सभी औरत खाना बनाती है, खासकर जब रोटी बनती है ना, तब तो और ज़्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं शाम को। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही खाना मेरा बन जाए, मैं 10-11 बजे तक खाना बना के रख लेती हूँ, और ठंडा तो होता ही नहीं है ऐसा लेकिन इस साल मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो गर्मी की छुट्टी वगैरह पड़ ही गई है स्कूल की, और अच्छा है कि बच्चों को राहत मिलेगी, क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा धूप है, फिर तबीयत भी ख़राब होने का डर रहता है छोटे बच्चों को। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पर छोले की सब्ज़ी आज बनाऊँगी, और मुझे काफ़ी दिनों से छोले की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने चना था मेरे घर में तो वो डाल दिया है, और मटर, जो सफ़ेद मटर रहते हैं वो मिक्स करके, चना कम है थोड़ा मटर ज़्यादा है, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे आलू थे मेरे घर में, तो उसे छील के मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा इसमें डाल दिया है ताकि अच्छा लगे। और छोले की सब्जी मैं बना रही हूँ, इसे मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सभी को भी बहुत पसंद आएगी और मुझे भी बहुत पसंद आई है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और ये एक वॉच है, और ये लेडीज़ वॉच है, गर्ल्स भी पहन सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस वॉच के साथ ना मुझे एक ब्रेसलेट भी मिला था, और अभी मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो वॉच है और ये जो ब्रेसलेट है, ये काफ़ी अच्छा इस वजह से भी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। बहुत ज़्यादा ये फैंसी लुक के साथ ये मुझे मिला है, ये देखिए।
हम अपने हाथों के हिसाब से इसे फिट कर सकते हैं। इसमें देखिए इस तरह का ये लॉक है तो, और अब हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं अपने हथेलियों के हिसाब से। और इसके साथ ही मुझे ये काफ़ी अच्छा सा ब्रेसलेट मिला है, ये देखिए इस तरह से दिखेगा ये ब्रेसलेट। और फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वॉच जो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह भी देना है ना, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके बाद मैंने लिया है ये एक दुपट्टा, और ये सिफोन का दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है। और इसे मैंने अभी ओढ़ा था तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और दुपट्टे के चारों किनारे में ना इस तरह का ये जो है ना धागा का वर्क दिया गया है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। येलो कलर के धागे के जो कढ़ाई हुआ है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इसका जो कपड़ा है ना क्वालिटी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मुझे दुपट्टा लगा। और इसका जो सिफोन का फैब्रिक है ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है, तो ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जैगिंस है, और ये कॉम्बो सेट में मुझे मिला है, एक है मरून कलर का और एक है ब्लैक कलर का। ये मुझे 300 में दो मिल गया है, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये जो है ना इसका फैब्रिक ये काफ़ी ज़्यादा मोटा फैब्रिक है, ये देखिए। वैसे तो ये जैगिंस है पर ये काफ़ी ज़्यादा कड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये, और ये स्ट्रेचेबल भी है। ये ज़्यादा अगर रेगुलर यूज में कोई भी करेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए कमर में इस तरह से दिया गया है, और सेम ऐसा ही है, ये मरून कलर का है ये, तो डेली रफ यूज के लिए ये सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना ये एक ओमेन शोल्डर बैग है, और ये हैंड क्राफ्ट बैग है, और ये काफ़ी अच्छा जो है ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और प्लस ये विगन है। और जो ये यूज किया गया है ये कोई भी चमड़े का यूज नहीं किया गया है, लेकिन लगेगा कि चमड़ा है ये। और इसकी क्वालिटी अगर मैं जिप की बात करूँ तो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और ये थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत सालों तक चलने वाला है। और ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो ये ऑफिस या फिर जो कॉलेज वगैरह जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसे ये एक ही जीप आपको मेन जीप मिलेगा, और इसमें बहुत अच्छे से कंपार्टमेंट दिया गया है लैपटॉप वगैरह रखने के लिए, बुक्स वगैरह रखने के लिए, और काफ़ी भी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। ये देखिए अंदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये देख सकते हो। और इसका जो कलर है ये डार्क ग्रीन कलर का है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप सभी को। इसमें जब पेपर वगैरह आया था काफ़ी ज़्यादा फुला था, ये देखिए ये अच्छा खासा बड़े ही साइज का है, ये देखिए बड़ा साइज का है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, और ये भारी भी ज़्यादा नहीं होगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने लिए मंगवाए हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी, और ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से ली है। अमेजोन में काफ़ी अच्छे प्राइस ही मुझे मिल गई थी। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप भी ले सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और माई होल स्टोर का भी लिंक रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छे ऑफर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, खासकर फैशन के प्रोडक्ट और ब्यूटी के प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स जाइए जल्दी से चेकआउट कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने छोला उबलने के लिए रख दिया है, और अभी मैं सारी तैयारी कर लिया है मैंने, और अभी यहाँ पर देखिए अयांश आ गया मेरे पास, तो बस मैं उसे गोदी लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। और ये ना सोया था, काफ़ी लेट से आज उठा, तो ये देखिए वैसे तो कभी कभी जल्दी ही उठ जाता है, तो क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में इसका ही मन नहीं लगता, और इसके बालों की वजह से मुझे लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। और बस अभी मैं इसको नहला दूँगी, अभी तो सो के उठा है, तो बस थोड़ी देर बाद आधा एक घंटे के बाद नहला दूँगी। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, छोला उबल चुका था काफ़ी अच्छे से, उसी मैंने आलू भी छिलके डाली थी, तो वो भी हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं प्याज टमाटर भून के और सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है, सारे खड़े मसाले और अदरक लहसुन ये सब। यहाँ पर देखिए ये जो है ये काफ़ी अच्छे से उबल गया है, और इसे ज़्यादा सब्ज़ी में ना छोले को बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो फट जाए उतने बस काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये जो आलू छोटे छोटे थे तो इसको मैंने कट नहीं किया, मैंने सारा इसी में ही डाल दिया है। और उसके बाद ये जो मैसर है ना लकड़ी का, इसी से मैं इसको मैश कर दूँगी, तो ये गाढ़ी भी हो जाएगी सब्ज़ी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। और बस ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा लेट नहीं लगता है, इसमें कोई थमझम नहीं लगता है, तो बस यहाँ पर देखिए मैं इसको एक बार चला के और ढक दूँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद ये हो गया है, और अब मैं इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देती हूँ, तो बस मेरी ये छोले की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, और ज़्यादा भी वक्त भी नहीं हुआ है।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना आज चने की चटनी बनाई थी खाने के साथ दोपहर के खाने में, और अभी मैं जा रही थी अयांश को नहलाने के लिए, तो यहाँ पर ना मेरा ट्राइपॉड ले लिया है और ये ब्लॉग बना रहा है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।